कि उनको खुद जब आप बहुत चक्कर लगा लेते हो तो आपको आपका दिमाग चकराने लगता है। तो वही हाल नीतीश कुमार जी का है, उनको खुद नहीं पता है कि वो किस खेमे में खड़ा है, कहां खड़े हैं। कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, फिर महागठबंधन में, फिर एनडीए में, तो भाई इसका क्या महत्व, कोई महत्व नहीं है। बिहार में सरकार आप चलाइएगा तो सवाल आप पर नहीं खड़ा होगा, तो कर्नाटक की सरकार पर सवाल खड़ा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान चला रहे हैं और जन सुराज अभियान के पहले दिन से ही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, कभी भ्रष्टाचारी के मुद्दों पर तो कभी उनके पार्टी पलटने के मुद्दों पर बार बार प्रशांत किशोर सुनाते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से जब मीडिया ने उनसे पूछा है कि बेंगलोर में हुए मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं हुए, तो उस पर भी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। आप सबसे पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ खड़े। नीतीश कुमार जी को इतनी बार वो घूम गए कि उनको खुद जब आप बहुत चक्कर लगा लेते हो तो आपको आपका दिमाग चकराने लगता है। तो वही हाल नीतीश कुमार जी का है, उनको खुद नहीं पता है कि वो किस खेमे में खड़ा है, कहाँ खड़े हैं। कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, फिर महागठबंधन में, फिर एनडीए में, तो भाई इसका क्या महत्व, कोई महत्व नहीं है। बिहार में सरकार कौन चला रहा है, लालू नीतीश पिछले 32 साल से, तो हम टिप्पणी किस पर करें। आपको जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल कीजिए। बिहार में सरकार आप चलाइएगा तो सवाल आप पर नहीं खड़ा होगा, तो कर्नाटक की सरकार पर सवाल खड़ा होगा। और सिंपैथी मेरी किस पर है हमको, आप सुनिए, ऐसा है आपसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसके साथ सिंपैथी है और नहीं है। बिहार में 32 साल से सरकार लालू और नीतीश चला रहे, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अगर सड़क नहीं बनी है, अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार है, अगर यहाँ पर जमीन का रसीद काटने में पैसा लग रहा है, तो इसके लिए कनाडा के सरकार को बोले। तो आप लोगों ने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सर चकरा गया है, वो इतनी पार्टी बदल चुके हैं और इतनी पार्टियों को जोड़ने में लग गए हैं कि उनका सर चकरा गया है। वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि बिहार में 32 सालों से सरकार जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं, तो हम भ्रष्टाचारी के मुद्दों पर सवाल किससे पूछेंगे, क्या हम भ्रष्टाचारी के मुद्दों पर सवाल पूछने कर्नाटक के सरकार पर जाएंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा मीडिया दर्शन के साथ।